अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और ये देखिए, सुबह के 9:15 हुए हैं और ये मेरे जो बच्चे हैं ये उठ गए। हरम क्या से हेलो, और ये है हानिया। फातिमा इज गेटिंग रेडी, और अभी फातिमा ने अभी बाल नहीं बनाए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं। और हम सब कहाँ जा रहे हैं हरम? नो राना रिजॉर्ट। और मैं सासा बना रही हूँ बिरयानी। तो जी, यहाँ बन रही है हमारी बिरयानी, और यहाँ पे जो है वो मैं मिक्स बिरयानी बना रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा तय वाली बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मिक्स बिरयानी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तय वाली बिरयानी में जो है वो आपको पता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दरकार होता है, और मैं यहाँ पे मिक्स बिरयानी इसलिए बना रही ताकि फटाफट से बन जाए और हम फटाफट जो है ना उसको लेके चलें फिर पिकनिक करने। यहाँ पे बिरयानी रेडी हो गई है और मैं जो अपनी बाकी का सामान है वो चीज़ों में रख रही हूँ। बिरयानी में डाल रही हूँ हॉट पॉट में, ताकि जो है वो काफ़ी देर तक ये गर्म रह सके। आप देख रहे हैं कितनी ताज़ा ताज़ा और कितना अच्छा सा जो है उसके अंदर से धुआं निकल रहा है। बाकी भी चीज़ें मैंने रख ली हैं, ऑलमोस्ट प्लेट चम्मच जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जाते ही तो हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि अभी हमें रेडी होते निकलते तो थोड़ा सा टाइम लग जाना था, तो हमने ये सोचा कि हम जाते ही सबसे पहले वहाँ पर खाना खा लेंगे, और खाना खाने के बाद जो है वो हम लोग अपनी जो भी है चीज़ें देखना है या बच्चों को जो कुछ भी घुमाना है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो गाड़ी में सारी चीज़ें रख ली हैं, तो मैंने कुछ लेज रखी हैं, पानी की बॉटल रख ली हैं, चम्मच चीज़ें सब कुछ रख लिया है, और अब जो है हम जा रहे हैं अपनी पिकनिक करने। तो हम एवरी संडे जाते हैं, सैटरडे जाते हैं संडे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग संडे ही जाते हैं क्योंकि संडे में मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं, तो हम उस दिन घूमने फिरने लेके जाते हैं बच्चों को। हरम यहाँ अपने डैड को जो है वो शिकायतें लगा रही है कि मामा ने जो है वो मेरी पटाई की है, मामा ने मुझे डांटा है, मामा ने ये किए, हम दोनों फाइट कर रहे थे, ये वो बला बला। तो ये तो चलता ही रहता है कि वो तकरीबन सारा टाइम जब भी उसके डैड आते हैं वो कुछ ना कुछ उनको स्टोरी सुनाती रहती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये खाया। अच्छा, इसकी आदत ये है कि जो कोई भी इसने काम किया है ना सारा दिन, इसने सारा कुछ बताना है अपने डैड को। यहाँ हमने थोड़ी देर का स्टे किया है क्योंकि मैं रायता घर बुलाई थी, और ऐसा हो जाता है जब आप बच्चों के साथ होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप भूल जाते हैं, तो मैं जो रायता बनाया था मैं घर ही भूल आई थी, तो मैंने सोचा कि फिर हम रास्ते से ही ले लेते हैं, क्योंकि जहर सी बात है अब बच्चे तो रायते के बगैर चावल नहीं खाएंगे, और मेरे बच्चों की आदत है उन्हें दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे घर में 24/7 आप समझ लें कि दही होता ही है। तो अभी हम आ गए हैं जनाब जल्लो। वैसे घर से मैं बच्चों को कह के लाई थी कि मैं तुम लोगों को राना रिज़ॉर्ट लेके जाऊँगी, लेकिन राना रिज़ॉर्ट में इसलिए नहीं लेके गई, एक तो हमें घर से निकलते निकलते तकरीबन 12 बज गए थे, और 12 बजे अगर हम वहाँ से अपने घर से निकल रहे हैं तो वहाँ पहुँचते हमें 2:30 तो बच जाने थे, तो फिर बच्चों ने इन्जॉय क्या करना था, इसलिए हम यहाँ आ गए। तो अभी हम पहुँच गए हैं पार्किंग में और बच्चे सब नीचे उतर रहे हैं, और साथ साथ मैं व्लॉग भी बना रही हूँ, और चीज़ें हम लोगों ने बाहर निकालनी शुरू कर दी हैं जिसमें हमारा पिकनिक का सारा सामान मौजूद है, और हरम भी हमारे साथ हेल्प करवा रही है, हानिया भी हेल्प करवा रही है। हरम बोल रही थी कि उसको ये बास्केट उठानी है, लेकिन ये बास्केट इतनी ज़्यादा हैवी थी, इसमें बहुत सारा सामान है ना, प्लेट्स हैं और दूसरी पानी वाली बॉटल हैं, काफ़ी चीज़ें थी, तो ये मैंने पकड़ ली और सबने जो है वो थोड़ा थोड़ा सामान जो है आपस में डिवाइड कर लिया। अच्छा, हम यहाँ पे ना पहले भी आ चुके हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने आज फिर इरादा किया कि फिर यहाँ पे चलते हैं दोबारा से, क्योंकि धूप तो निकली हुई थी लेकिन मौसम बड़ा, मतलब समझ लें कि हल्की हल्की ठंड भी थी कह लें, क्योंकि आपको पता है आजकल बारिश हो रही हैं तो धूप तो निकल आती है लेकिन वेदर बड़ा मज़े का हुआ है। तो हमने सोचा यहीं पे चलते हैं, आजकल स्प्रिंग फेस्टिवल भी चल रहा है बहुत ज़्यादा जगहों पे, और बटरफ्लाई गार्डन में तो बटरफ्लाइज भी होंगी इस मौसम में, देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, मतलब इतनी ग्रीनरी के ऊपर इतने प्यारे प्यारे से फूल हर तरफ, आप किसी अपनी सोसाइटी में देख लें, आप किसी पार्क में देख लें, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अच्छा वेदर हुआ हुआ है और उसके साथ साथ स्प्रिंग सीज़न भी है, तो हर जगह आपको एक ना मतलब
एक एक क्वालिटी जो है ना वेदर की वो नज़र आएगी। और यहाँ पे हमें मिल गई थी एक प्यारी सी कैट जो ऑलरेडी जो है वो लेस खा रही थी, और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा किसी कैट को लेस खाते देखा है। तो हमने सोचा हम यहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन फिर हम ये जगह कुछ ज़रा मेन के पास ही थी, तो मेरे हस्बैंड को कुछ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ से जगह चेंज करते हैं, किसी और जगह जाके बैठते हैं। तो उसके लिए हमने जगह फाइंड आउट करना शुरू की, और साथ साथ हरम हमारी फिर से हेल्प कर रही है। और देखिए हमने एक जगह अच्छी सी जगह ढूंढ ली है, वहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, ऑलरेडी एक फैमिली बैठी हुई थी, तो हमने सोचा कि यहीं पे बैठ जाते हैं और बैठ के यहाँ पे आराम से अपना खाना खाते हैं। तो ये यहाँ आगे हैं जी हम पार्क के अंदर, और यहाँ पे बच्चों के करने के लिए कमाल की एक्टिविटीज़ हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो अगर आप अपने बच्चों की एनर्जी जो है वो कहीं पे लगाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी एक इन्होंने बच्चों की एक्टिविटी के लिए एक जगह बनाई हुई है। नीचे आप देख सकते हैं कि पूरी मट्टी मट्टी है, कि अगर अल्लाह ना करे बच्चे गिर जाते हैं तो उन्हें कोई भी ज़्यादा इतनी चोट नहीं लगेगी। तो बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे। हरम ने यहाँ पे गिर गिर के अपने सारे कपड़े ख़राब कर लिए थे, हालांकि मैं इसके कपड़े साथ लेके आई थी एक्स्ट्रा, लेकिन फिर अभी गाड़ी में चीज़ें छोड़ के आए थे, अब दोबारा हिम्मत नहीं थी इतनी दूर दोबारा जाके जो है वो कपड़े ला के इसको चेंज करवाने की। और हमें पता था इसने भी थोड़ी देर और गुजरी तो इसने मज़ीद कपड़े गंदे कर लेने हैं, तो हमने सोचा इसको एक ही दफ़ा जो है इसको चेंज करवा देंगे। गाड़ी में जाके इसने जितने कपड़े गंदे करने हैं ना वो यहाँ पे ही अच्छी तरह से गंदे कर ले। और आमिर को आप देख रहे हैं वो पूरी ज़ोर शोर से बच्चों को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सारी एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं। और जी अब हम बटरफ्लाई गार्डन के अंदर जा रहे हैं, और उसके अंदर जाने से पहले इन्होंने सोचा है कि जी हम यहाँ पे अपनी एक जो रेस है वो करेंगे। और आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो साथ साथ इधर एक फाउंटेन बना हुआ है उसके अंदर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेचारा बिल्कुल ही उदास सा पड़ा है, ना उसमें पानी है ना कोई जान है। और ये रेस स्टार्ट हो गई, और आमिर बेचारे जानबूझ के इनसे हार रहे हैं, क्योंकि अगर वो जीत जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फबाल खड़ा हो जाएगा। तो एंट्रेंस पे जाने से पहले हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी टिकट, जो कि बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए जो है वो बिल्कुल फ्री है, जो बिलो द 7 ईयर हैं आई थिंक, और जो 7 साल से ऊपर हैं उनके लिए जो है आपको 50 रुपीज़ के जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने टिकट भी ख़रीद लिया, और मैं और आमिर यहाँ पे चोरी चोरी जो है वो चॉकलेट खाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा हम मीठा नहीं देते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों को मीठा ना दिया जाए। तो हमने उनको उसकी ऑल्टरनेटिव जो है वो लेज खाने के लिए दे दिए हैं, और चॉकलेट जो है वो चोरी चोरी हमने खुद खा लिया है। यहाँ हम एंटर हो गए हैं बटरफ्लाई गार्डन के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, एक राउंड शेप में ये बना हुआ है, और यहाँ पे जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और जिस तरह से ये तैयार हुआ है, और उसकी सारी डायमेंशंस और वो तब उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में लिखा गया है, और साथ साथ उनकी जो पिक्चर्स हैं वो भी साथ इधर लगाई गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो लाइफ ऑफ बटरफ्लाई है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, मुख्तलिफ किस्म की जो बटरफ्लाइज हैं उनकी पिक्चर यहाँ पे लगाई गई हैं, और जो पाकिस्तान में जितनी जिस तरह की भी जो बटरफ्लाई हैं जो कि हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी सारी पिक्चर्स, मतलब तकरीबन सब की तो नहीं लेकिन जितनी भी वो अवेलेबल वहाँ पर हो सकती थी उनको उन्होंने एक फ्रेम करवा के वहाँ पर लगा दिया है।
और ये एक राउंड सा एरिया है, अगर आप इसके मिड में खड़े होकर आवाज़ देते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो भी यहाँ पे फैमिलीज आई हुई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा यहाँ पे चिल्लाना। और जी आगे है सबसे अच्छी प्लेस, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है आपके चारों तरफ, और जो एक वॉक वे बनाया गया है उसके लेफ्ट राइट पे भी स्टोन्स हैं और छोटी छोटी सी अब लेक कह सकते हैं इसको बनाई हुई है, और बहुत ही जो है ना एक प्यारा सा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। मुझे तो मतलब समझ लेना कि लाहौर में अगर जो कोई बेस्ट प्लेस लगती है तो ये लगती है, ग्रीनरी है अच्छे से, आप इतनी अच्छी ऑक्सीजन आपको मिलेगी यहाँ पे, एक अच्छा व्यू मिलेगा। बच्चों को अगर आप यहाँ पे लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पे तकरीबन 97% यहाँ पे फैमिलीज ही आते हैं, मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि यहाँ पे फैमिलीज नहीं आती। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दिया गया है, एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना एक ब्रॉड सी जगह बनाई गई है, एक बहुत प्यारे गुजरने की जगह, ऊपर से एक ब्रिज बनाया गया है छोटा सा, और लेफ्ट राइट छोटे छोटे लेक बनाई गई है, एक पाउंड बनाया गया है, और पानी इसमें कोई इतना ज़्यादा साफ नहीं था क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद उस तरह से उसकी देखभाल नहीं हो रही है, या शायद कोई और भी रीज़न हो सकती है। लेकिन अगर आप लाहौर में किसी जगह घूमना चाहते हैं अपने बच्चों को लेके, और स्पेशली कि आप भी उस जगह जाके बहुत अच्छा फील कर सकें, तो दिस इज़ द राइट प्लेस एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ लाहौर। बच्चे वगैरह और आमिर जो हैं ऊपर से आ गए थे, हम लोग नीचे वाली साइड से आए क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉलर थी और मैं फातिमा को लेके जो है ऊपर से नहीं आ सकती थी, इसलिए मैं नीचे से गुजर के आ गई। और ये देख रहे हैं आप सीढ़ियों के जो स्टेप्स के साइड्स पे भी इन्होंने बड़े बड़े से स्टोन्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे जो है वो एक बटरफ्लाई हाउस बनाया गया है जहाँ पे बिल्कुल ऐसे बटरफ्लाई घूम रही है। वैसे तो आप मैंने अभी यहाँ पर आप घुमा के दिखाया नहीं है, यहाँ पर बटरफ्लाई जो है वो पौधों पर भी थी, और अभी यहाँ पर इन्होंने अंदर एक जगह बनाई हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज हैं और फैमिलीज़ भी वहाँ पर आई हुई हैं, और इन्होंने बटरफ्लाई के लिए एक छोटी सी वो कोई शायद उनके फूड है शायद क्या है, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि अगर आप इसको हाथ पे रखते हैं तो बटरफ्लाईज के ऊपर आती है, लेकिन खैर बेइज्जती ख़राब होगी क्योंकि कोई बटरफ्लाई आके हाथ पे नहीं बैठी। तो बच्चे बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रहे थे तो मैंने उनको एक अदद बटरफ्लाई पकड़ के दी भी, और फिर वो मैंने छोड़ दी क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतनी नाजुक सी होती है, अगर आप उसको ज़्यादा देर हाथ में पकड़ के रखेंगे तो वो तो बेचारी वैसे ही मर जाएगी। बच्चे बेइंतहा खुश थे क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई के साथ कभी भी नहीं देखी थी ऑनेस्टली। और अभी तो स्प्रिंग सीजन है ना, तो अभी यहाँ पे है, वो बता रहे थे जो यहाँ पे जो गाइड करते हैं तो उन्होंने बताया कि अभी स्प्रिंग सीजन में ही होती हैं क्योंकि सीजनल होती हैं। अगर आप गर्मी के मौसम में आएँ या बहुत ज़्यादा ठंड में आएँ या ऑटम में आएँ तो फिर आपको ये यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये जो जगह बनाई हुई है ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये भी बटरफ्लाई के लिए, लाइफ ऑफ बटरफ्लाई के, जैसे एक लार्वा होता है वो कैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, किसी किस तरह बटरफ्लाई बड़ी होती जाती है, तो ये लाइफ ऑफ बटरफ्लाई भी यहाँ दिखाई गई है। मतलब ऑल ओवर अगर आप कह लें कि ये जो प्लेस है ना, मतलब बच्चों की और बड़ों के दोनों के देखने के लिए एक बहुत अच्छी प्लेस है। अभी तो मौसम बड़ा अच्छा, खैर मैं तो ये कहूँगी कि अगर अभी आप जाना चाहते हैं अपने घर वालों के साथ, बच्चों को लेके, किसी को भी लेके, तो दिस इज़ द बेस्ट वेदर टू गो देयर, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो तो फिर ही बंदा बाहर निकले तो फिर ज़्यादा इन्जॉय कर पाता है। हम तो संडे के संडे कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो मेरे ख्याल में हमने तो सारा लाहौर तकरीबन एक्सप्लोर कर लिया है। अभी जो हम सोच रहे हैं ना जाने के लिए, वो हम जाने के लिए सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कहाँ जाएं, तो हम नेक्स्ट टाइम सोच रहे हैं कि हम लोग ना हिरन मीनार जाएं। वैसे मैंने तकरीबन सारी जगह देख लिया लेकिन हिरन मीनार मैंने अभी तक नहीं देखा, तो वहाँ मैं चाह रही हूँ कि हम बच्चों को लेके जाएं। तो अगर आप लोग गए हुए हैं तो प्लीज़ कैसी प्लेस है, अच्छी प्लेस है, जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपना व्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।